तो आईपीएल 2024 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर हम बात करें आईपीएल 2024 की, तो इस वक्त खिलाड़ियों की ट्रेडिंग चल रही है। एक खिलाड़ी दूसरे टीम में जा रहा है, तो दूसरे टीम का कोई अन्य खिलाड़ी उस टीम में आ रहा है, तो इसे कहते हैं खिलाड़ियों की ट्रेडिंग। इसके अलावा कुछ पैसे भी देकर खिलाड़ियों को अपनी टीम में, दूसरे टीम के खिलाड़ियों को अपनी टीम में फ्रेंचाइजी शामिल कर रही है। अगर हम बात करें आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी ट्रेडिंग की, तो वो होने वाली है, और ये आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेडिंग होगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं भारतीय हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के बारे में। आपको भी पता है कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान है, लेकिन आईपीएल 2024 में उनको आप मुंबई इंडियंस से एक बार फिर से खेलते हुए देख सकते हैं। अगर हम बात करें इस ट्रेडिंग की, तो 15 करोड़ रुपए में ये डील हुई है मुंबई इंडियंस की गुजरात टाइटंस से। और ये जो रिपोर्ट आई है, ये ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट आई है, यानी कि रिपोर्ट भी काफी पुख्ती है, वहां पर कोई भी हवा हवाई बात नहीं है। ये ट्रेडिंग चल रही है, इंटरनल बातें चल रही है, बस मोहर लगना उस पर बाकी है, यही काम रह गया है। यानी कि 15 करोड़ रुपए में एक बार फिर से मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को अपने टीम में शामिल कर सकती है। यही नहीं, इसके अलावा कुछ ऐसे अमाउंट भी मुंबई इंडियंस देगी गुजरात टाइटंस को, जिसकी पुष्टि नहीं की जाएगी, वो आधिकारिक रूप से बाहर नहीं आएगा, वो गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस में आपसी डील होगा, और उसका 50% अमाउंट हार्दिक पांड्या को जाएगा। यानी 15 करोड़ रुपए जो होगा वो आधिकारिक डील होगा, और उसके अलावा जो अमाउंट मुंबई इंडियंस गुजरात को देगी वो अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट होगा, उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी, और सिर्फ वो हार्दिक पांड्या को पता रहेगा कि इसका 50% मुझे जाना है, तो हार्दिक पांड्या वो अमाउंट लेंगे। आपको भी पता है कि गुजरात टाइटन्स को कितने नए ऊंचाइयों तक हार्दिक पांड्या ने मात्र 2 सालों में पहुंचाया था। बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन गुजरात टाइटंस उनको रिलीज करने के लिए तैयार हो गए, अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। और उसके बाद अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो उनको सख्त जरूरत थी। जब से उन्होंने हार्दिक पांड्या को रिलीज किया, तब से उनकी टीम काफी कमजोर दिखाई दे रही है। ऑन द पेपर फील्ड में भी वो प्रदर्शन नहीं आ पा रहा है। और उसके बाद आपको पता है कि रोहित शर्मा का जो क्रिकेटिंग कैरियर है वो बहुत लंबा नहीं होने वाला है। अब 3 या 4 साल रोहित शर्मा बहुत खेलेंगे तो खेलेंगे, उसके बाद ऐसे खिलाड़ी की मुंबई इंडियंस को जरूरत है जो कि कप्तानी कर सके, जो कि टीम को आगे ले जा सके, और वहां पर हार्दिक की मुंबई इंडियंस को जरूरत समझ में आई, जिस कारण उन्होंने एक बार फिर से डील कर लिया। और यह बड़ी डील है, यह आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी डील मानी जाएगी, क्योंकि कोई फ्रेंचाइजी अपने उस कप्तान को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेगा जिसने उसको पहले ही 2 सालों में एक बार आईपीएल ट्रॉफी जिता दिया और दूसरी बार उप विजेता बनाया। तो हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी गुजरात के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे मात्र 2 सालों में कर चुके थे, लेकिन ये गुजरात का जो फैसला है, बड़ा फैसला है। अब उनको देखना पड़ेगा कि उनके लिए कौन कप्तानी कर सकता है, कौन विकल्प होगा। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए समस्याओं की बात करें, तो इतना बजट लाना मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि 15 करोड़ रुपए उनके पर्स में बचे नहीं है। यानी वो भी अभी 2-3 ट्रेडिंग करेंगे, उसमें सबसे बड़ा ट्रेडिंग हो सकता है जोफ्रा आर्कर का। जोफ्रा आर्कर एक ऐसे गेंदबाज है जो फिट नहीं हो पा रहे हैं, जो अपने फिटनेस से लगातार जूझ रहे हैं, और मुंबई इंडियंस के किसी भी काम अभी तक आए नहीं है जब से मुंबई ने उनको अपनी टीम में शामिल किया, जिस कारण जोफ्रा आर्कर को लगभग मुंबई इंडियंस रिलीज करेगी, तभी जाकर हार्दिक पांड्या उनके समीकरण में आएंगे। तो ये थोड़ी सी समस्याएं जरूर है मुंबई इंडियंस के आगे, लेकिन वो जरूर ये काम करना चाहेंगे। अगर हम आधिकारिक पुष्टि की बात करें, तो ये जो पूरी न्यूज है वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स है वो ESPN क्रिक इन्फो की आ रही है, यानी कि रिपोर्ट्स भी काफी पुख्ती हैं, वहां पर कोई डाउट नहीं है। हालांकि दोनों टीमों की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इनसे जब सवाल पूछा गया तो उस पर चुप्पी साधा है दोनों टीमों के मालिकों ने, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन इंटरनल खबर यह आ रही है कि लगभग डील तय हो गई है और हार्दिक पांड्या इस साल मुंबई इंडियंस से खेलने वाले, हालांकि कप्तान वो नहीं बनाए जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, उप कप्तान होंगे टीम के। रोहित शर्मा 2025 तक तो लगभग तय है कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या जरूर इस टीम का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन तब तक रोहित ही मुंबई इंडियंस की कमान संभाले रहेंगे। लेकिन ये जो सेटबैक होगा वो बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि अब अपने आप में यह ऐतिहासिक डील गुजरात टाइटंस करेगी, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकती है, क्योंकि एक
बनी बनाई टीम को ये डिसीजन क्या कर सकता है, फैसला क्या कर सकता है, पैसे के चक्कर में पूरी बनी बनाई टीम को बिगाड़ सकता है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि भैया ये डील कैसी है, ये ऐतिहासिक डील किसको फायदा पहुंचाने वाली है और किस टीम को नुकसान पहुंचाने वाली है। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।